सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सिंधी रसोई को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि मैं अपने घर में अचारी आलू परवल की सब्जी किस तरीके से बनाती हूँ। ये बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत जल्दी बन जाती है। चलिए देख लेते हैं अचारी आलू परवल की सब्जी बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता है। यहाँ पे मैंने लिए हैं 250 ग्राम परवल, जिन्हें मैंने धोकर छील लिया और इस तरीके से लंबे लंबे स्लाइसेस में काट लिया है। हमेशा आप इसी तरीके के परवल लें, ज्यादा मोटे परवल ना लें क्योंकि उसमें बीज निकलते हैं और सब्जी का टेस्ट अच्छा नहीं आता। साथ ही मैंने लिए हैं 6 मीडियम साइज के प्याज, इसे भी मैंने धोकर छीला और इस तरीके से पतले पतले लंबे स्लाइसेस में काट लिया है। 2 बड़े आलू, इन्हें भी मैंने धोकर छीला और इस तरीके से पतले पतले लंबे स्लाइसेस में काट लिया है। मसालों में हमें चाहिए बेसिक मसाले, नमक स्वाद अनुसार, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच गर्म मसाला पाउडर, 8 से 10 कलियां लहसुन की और 2 तेज पत्ते। इसी के साथ यहाँ पे मैंने लिया है 1 चम्मच आम के अचार का मसाला। मैंने यहाँ पे घर की बनी हुई आम के अचार का मसाला लिया है। आप चाहें तो जो मार्केट में अचार मिलती है उसका मसाला भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आम के अचार का मसाला ही आपको यूज करना है। मैं आपको दिखाती हूँ सब्जी बनाने के लिए परवल को कैसे काटना है। मैंने इनके दोनों एजेस को ट्रिम कर लिया है और चाकू से बस इसे इस तरीके से छील रही हूँ। जैसे हम नए आलू को छीलते हैं उसी तरीके से हमें परवल को छीलना है। इसे हमें पील नहीं करना क्योंकि अगर हम इसे पील करेंगे तो इसका ग्रीन पार्ट पूरे तरीके से निकल जाएगा और हमें वैसा नहीं चाहिए। तो मैं इसे बस इसी तरीके से छील रही हूँ जैसे कि हम जनरली नए आलू को छीलते हैं। ये देखिए, बस इसके ऊपर जो शाइनी सी ग्रीन लेयर होती है उसे ही हमें निकालना होता है। इस तरीके से बस आप चाकू चलाएंगे तो एक पतली पतली सी लेयर निकलेगी। इसी तरीके से आप भी परवल छील लें और जैसा कि मैंने बताया, परवल आप मोटे ना लें, उसमें बीज निकलते हैं, सब्जी अच्छी नहीं बनेगी। मैंने परवल छील लिए हैं और इन्हें धो लिया है। अब बीच में से मैंने इस तरीके से काट लूंगी, फिर इनमें से 2-2 पीसेस बना लूंगी। ये देखिए, इस तरीके से बीच में से मैंने इन्हें काटा और अब मैं इसमें से 2-2 पीसेस बना लूंगी। आप देख सकते हैं परवल में बीज नहीं है तो इस सब्जी में ज्यादा टेस्ट आएगा। इसी तरीके से मैंने परवल काटे हैं। चलिए अब हम आलू परवल को फ्राई करेंगे। तेल मैंने गर्म होने रख दिया है। तेल अब अच्छे से गर्म हो चुका है, आप देख सकते हैं तेल में से स्मोक निकल रहा है। तो मैं इसमें डाल दूंगी कटे हुए परवल। फ्लेम मैंने हाई रखी है, इसे मैं थोड़ा सा मिक्स कर लेती हूँ तेल में और इसी के साथ मैं इसमें कटे हुए आलू भी डाल दूंगी। आलू काटने के बाद आप हमेशा पानी में भिगो के रखें, नहीं तो काले पड़ जाते हैं। और दोस्तों, जब भी आप तेल में सब्जी डालें तो उसे किनारों से ही डालें ताकि आपको तेल के गर्म छींटे ना लगे। सब्जी को हम ज्यादा फ्राई नहीं करेंगे, बस 2 मिनट के लिए हम इसे फ्राई करेंगे क्योंकि बाद में ये सब्जी प्याज के साथ भी पकेगी। सिर्फ हम इसका हल्का सा कलर चेंज होने तक इसे फ्राई करेंगे। 2 मिनट हो गया है, मैंने 2 मिनट तक सब्जी को हाई फ्लेम पे फ्राई किया है। आप देख सकते हैं परवल का कलर अब थोड़ा सा चेंज हो गया है। ये देखिए, बस अब मैं इसे निकाल लूंगी। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, ये सब्जी अभी प्याज के साथ भी पकेगी तो हम इसे ज्यादा फ्राई नहीं करेंगे। आलू परवल फ्राई हो गए हैं, सिम साइड रख देते हैं। कटे हुए प्याज में हम अचार का मसाला मिलाएंगे। तो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1 चम्मच घर की अचार का मसाला, या आम के अचार का मसाला है। हमेशा आप आम के अचार का ही मसाला यूज करें, उससे सब्जी में टेस्ट ज्यादा अच्छा आएगा। इसे मैं अच्छे से मिला लूंगी। मुझे मसाला थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैंने आधा चम्मच और डाल दिया है। टोटल मैंने 1 बड़ा चम्मच भर के आम के अचार का मसाला डाला है और इसे अच्छे से प्याज में मिक्स कर रही हूँ। इससे हमारी सब्जी में एक बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। यहाँ पे मैंने ले लिया पैन। पैन में मैं डाल रही हूँ आधा कड़छी तेल, ये तकरीबन 2 बड़ा चम्मच तेल है। इसे मैं अच्छे से गर्म करूंगी। तेल अब गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें डाल रही हूँ कटे हुए प्याज जिसमें हमने अचार का मसाला मिक्स करके रखा है। फ्लेम मैंने अब लो कर दी है, अब हम सब्जी को लो फ्लेम पे ही पकाएंगे। इसे हम अच्छे से तेल के साथ मिक्स करेंगे ताकि प्याज अच्छे से तेल में मिक्स हो जाए। इस तरीके से इसी के साथ मैं इसमें डाल दूंगी 1 चम्मच अचार का तेल। अचार का तेल डालने से सब्जी में एक बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो यहां पे 1 चम्मच मैंने अचार का तेल डाला है। अब मैं इसमें सूखे मसाले डाल रही हूं नमक स्वाद अनुसार, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर,
आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, गरम मसाला मैं अभी नहीं डालूंगी, उसे हम लास्ट में ऐड करेंगे। इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अचार का तेल डालने से सब्जी में एक अच्छा फ्लेवर तो आता ही है, साथ ही साथ इसका कलर भी बहुत ही अच्छा आता है। मसाले अच्छे से प्याज में मिक्स हो गए हैं, अब मैं इसमें डालूंगी फ्राई किए हुए आलू और परवल। इसे भी मैं एक बार चला लूंगी ताकि सभी चीजों में मसाले अच्छे से मिक्स हो सके। सभी चीजें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। सब्जी को ढक करके मैं लो फ्लेम पे 10 मिनट तक पकाऊंगी। मैंने इसमें 2 तेज पत्ते भी डाल दिए हैं। सब्जी को मैंने कवर किया और ढक करके इसे लो फ्लेम पे 10 मिनट तक पकाऊंगी, बीच बीच में इसे चलाती रहूंगी। 2-3 मिनट हो गया है, एक बार हम सब्जी को चला लेते हैं। ढक्कन में जो स्टीम इकट्ठा होती है उसे भी आप इस तरीके से होल्ड करें ताकि उसमें जो पानी बना है वो उसी पैन में चला जाए, क्योंकि सब्जी में हमने एक्स्ट्रा वाटर नहीं डाला है तो इसी में सब्जी पकेगी। एक बार मैंने सब्जी को चला लिया है, फिर से मैं इसे कवर करूंगी और ढक करके लो फ्लेम पे 4-5 मिनट तक और पकाऊंगी। 5 मिनट हो गया है, आप देख सकते हैं सब्जी में बाइंडिंग आ रही है, यानी कि सब्जी बन चुकी है तकरीबन। इस समय मैंने इसमें डाल दिया आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर और 1 चम्मच क्रश की हुई लहसुन। लहसुन को मैंने अदरक कूटने वाले में कूट लिया था। इसे मैं एक बार अच्छे से चला लूंगी। ये देखिए आलू भी पक गए हैं, ये आसानी से टूट जा रहे हैं और सब्जी में बाइंडिंग भी आ गई है। बस अब मैं इसे ढक करके लास्ट 2-3 मिनट तक लो फ्लेम पे पकाऊंगी, जिससे कि लहसुन और गरम मसाले का फ्लेवर हमारी सब्जी में आ जाएगा। सब्जी को मैंने कवर किया है, सब्जी को ढक करके मैंने लो फ्लेम पे 2 मिनट तक पका लिया है। सब्जी में बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, लहसुन की और गरम मसाले का फ्लेवर भी बहुत ही अच्छा आ रहा है। सब्जी बनके तैयार है। तैयार अचारी आलू परवल की सब्जी को मैंने यहाँ पे सर्विंग प्लेट में निकाला है। इसी तरीके से दोस्तों आप भी अचारी आलू परवल की सब्जी बनाएं, इसे दाल चावल या रोटी के साथ सर्व करें, बहुत ही टेस्टी लगती है। रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।